जब हम बात कर रहे हैं सीईटी के लिए, ग्रेजुएशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, अभी नेगेटिव मार्किंग भी हटा दी गई है और कम से कम 40% मार्क्स चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर 120 मार्क्स प्लस करने हैं, 40 प्लस से परसेंटेज से ज़्यादा चाहिए, तो कम समय के अंदर ये टॉपिक्स तो आपको कवर करने करने चाहिए जिनसे कि कम से कम ये आपके 40% है, इसमें कोई समस्या नहीं आई। और ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इनसे 40 नहीं, अगर ये सारे टॉपिक करते हो तो आराम से, छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं, आराम से 15-20 दिन में कवर हो सकते हैं और इनसे ईजीली 50% से 55% ईजीली क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ से। तो ऊपर वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और यहाँ से लगभग 50 से 55% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो पीछे के जो पेपर हुए सीटी ग्रेजुएशन के, सीटी 10+2 के, तो ग्रेजुएशन वाले में सारे टॉपिक्स, सारे पेपर को मैंने एनालिसिस किया और जो टॉपिक्स निकाले हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको तैयार करने पड़ेंगे राजस्थान के सारे मेले, राजस्थान के जितने भी मेले हैं वो तैयार कर लो। ये टॉपिक कोई बड़ा खास टॉपिक नहीं, राजस्थान के मेलों में कौन सा मेला कहाँ पर होता है और किस मेले की क्या विशेषताएं हैं, स्थान स्पेसिफिक जो मेले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पुष्कर का, नागौर का पशु मेला जो है, राजस्थान के महत्वपूर्ण कला संस्थान जैसे उदयपुर है, जयपुर है, बीकानेर है, और राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्ति, व्यक्ति विशेष जो 1857 की क्रांति के अंदर जिनका बहुत ज़्यादा योगदान है, और जैसे विजय सिंह पथिक है, 1857 वाले पुराने वाले सारे इंपॉर्टेंट तो है ही, नए वाले इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की चित्रकला जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कौन सी चित्रकला कहाँ की है, और राजस्थान के महत्वपूर्ण किसान आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, 1857 की राजस्थान की क्रांति बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, विभिन्न क्रांतिकारी सभाओं की स्थापना और प्रजामंडल ये इंपॉर्टेंट है, और महत्वपूर्ण मुगल शासक से संबंधित महत्वपूर्ण किले और स्तंभ जैसे विजय स्तंभ, जैसे पहले बात तो ये देखनी है कि महत्वपूर्ण मुगल शासक जिनका राजस्थान से संबंध है, पहले टॉपिक ये अलग है, फिर है महत्वपूर्ण किले और स्तंभ जैसे विजय स्तंभ वगैरह, राजस्थान के मानक देशांतर ISTS और STD से संबंधित प्रश्न जैसे राजस्थान की, भारत की ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी का ये बेसिक जो है वो है, जो लॉन्गिट्यूड है, लेटीट्यूड है, देशांतर है, अक्षांश है, उनसे संबंधित, और राजस्थान के अंदर कौन सा मंदिर कहाँ है, कौन सी दरगाह कहाँ स्थित है, हिंदू मुस्लिम दोनों से संबंधित, लोक देवता, लोक देवियाँ, और किस कुल जाति की, किस जाति की कुल देवी कौन है, और किस जैसे राठौड़ों की कुल देवी कौन है, और पर्टिकुलर जो लोक देवी देवता है वहाँ से प्रश्न आएगा, पुरानी रचनाएं इनसे संबंधित प्रश्न, दो प्रश्न आए हैं, 2 से 3 प्रश्न, लेखक है जैसे अमीर वंश भास्कर है, अमीर महाकाव्य है, अमीर है, 1857 से संबंधित रचनाएं, मतलब 1857 की बात नहीं है, 1857 से लेकर 1947 तक जितनी भी क्रांतिकारी संबंधित रचनाएं जो है, आंदोलन से संबंधित रीति रिवाज जैसे राजस्थान के जो संबंधित रीति रिवाज है इससे संबंधित है, जैसे पहनावा है, बोली है, और रिचुअल्स है उनसे संबंधित, कौन सा मंदिर किस संप्रदाय का है, कोड़ी संप्रदाय का जैसे मंदिर है वैसे, और जो कौन से अंग का कौन सा आभूषण है, आभूषण से संबंधित सारे आभूषण संबंधित प्रश्न आएंगे आगे, भारत में खेती के प्रकार, कौन सी खेती कहाँ पर होती है, शुष्क भूमि खेती, आद्र भूमि खेती, ये NCERT संबंधित यहाँ से प्रश्न आता है, भारत वन रिपोर्ट, ये इससे कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ से छूटता ही नहीं है, ISFR की जो रिपोर्ट है, भारतीय वन रिपोर्ट, कौन से स्टेट ने क्या प्रदर्शन किया, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, सबसे कम कहाँ पर है, कौन से टाइप के जो मैनग्रोव है वन कहाँ है, कौन से टाइप के वृक्ष कहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, ये सारे भारत की पहाड़ियाँ, विंध्याचल, सतपुड़ा रेंज वगैरह, भारत की कृषि और कृषि वगैरह अपने ऊपर देख लिए, जनसंख्या लिखन पात, यहाँ से शोर ही आता है क्वेश्चन, मतलब कोई कहने की जरूरत है ही नहीं, भारत के सब प्रमुख जलप्रपात, राजस्थान की मिट्टी और मृदा से संबंधित कौन सी मिट्टी जैसे एरिड सोइल है वो कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के अंदर जो 10 क्षेत्र है वो बनाए हुए जैसे कौन सी ज़्यादा फसल कहाँ पर होती है जैसे मक्का कहाँ पर होती है, और कौन सी मिट्टी कहाँ से संबंधित है, कृषि जलवायु क्षेत्र है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव अभयारण्य और खनिज और खान क्षेत्र, चौटपटे अटपटे खनिज और खान क्षेत्र के नाम है पर्टिकुलर जिलों से, मृदा और स्थलाकृतियाँ, और सभी बांध की अवस्थितियाँ, मतलब बांध कौन सी कहाँ स्थित है, कृषि जलवायु प्रदेश बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 सही, और पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, इनसे संबंधित एक प्रश्न आएगा, एनर्जी संबंधित, ये
जो आर्थिक समीक्षा है और जो बजट है उनसे संबंधित है। राजस्थान की समस्त नीतियाँ, जैसे पर्यावरण नीति है, कौन सी फसल में कौन सा जिला टॉप करता है, जैसे मक्का के अंदर मक्की है वो उसमें दक्षिण दक्षिण पूर्व राजस्थान है। राजस्थान के पॉलिटी से संबंधित, पॉलिटी के अंदर भी स्पेशली राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की समस्त योजनाएं, पोर्टल और ऐप्स, ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। राज्य सरकार की योजनाएं आएगी 2 से 3, केंद्र सरकार की योजना आएगी 2 से 3, पोर्टल और ऐप, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने भी सूखाग्रस्त कार्यक्रम राजस्थान में चलाए जा रहे हैं उनसे संबंधित, जैसे 4-5 वो कार्यक्रम है। राजस्थान के अंदर प्रथम सीमेंट का कारखाना कहाँ खुला, राजस्थान के अंदर प्रथम प्रथम वाली जो चीज़ें हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज भारत की इंटरनेशनल तौर पर, जैसे बायलेटरल है, 2 देशों के बीच होती है, एक डोमेस्टिक होती है घरेलू, एक होती है मल्टीलेटरल, इनसे संबंधित। बिहारी, बिरला बिहारी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, नाटक अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, और अभी जो जो हुआ है पेरिस ओलंपिक और आगे आने वाला पैरा ओलंपिक, इनसे दोनों से संबंधित प्रश्न आएंगे आएंगे। ओजोन लेयर से संबंधित प्रश्न, इसरो, DRDO, जितने भी इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है उनसे संबंधित प्रश्न आएगा कि उनका अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, पर्टिकुलर किस टाइप का करंट अफेयर भी आ सकता है। और इंटरनेशनल तौर पर फेमस ऑर्गेनाइजेशन 30 से 40 है, लेकिन उनमें जो मेन मेन है उनका हेड, चेयरमैन और हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फिर अगर अपन मैथ में देखते हैं, प्रॉफिट लॉस से संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एवरेज से संबंधित आएगा ही आएगा। ये मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, CAE और SI से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टोटल वोस्ट कास्ट कितने हुए, कथन और निष्कर्ष, रीजनिंग का रिलेशन, वो वाला लॉजिकल वेन डायग्राम वाला, ये क्वेश्चन आते आते इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आगे अपन और कुछ टॉपिक देखते हैं। और जैसे मैथ्स के अंदर अगर अपन देखें तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चन, जो अंकित मूल्य कितना है, प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, औसत मैंने आपको बताई दिया, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज बताई दिया, मतगणना, टोटल वोस्ट कास्टिंग और रीजनिंग से संबंधित, बिंब प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, और लेटर, जो लेटर होता है कि उसकी सीरीज चलती है कि ये गायब हो गया, ये रिप्लेस हुआ, ये कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा आएगा, और उसमें रेशियो वाला सा रहता है, ऐसा रेशियो का सिस्टम रहता, इस टाइप से, फिर इस टाइप से, और फिर इस टाइप से, और फिर नेक्स्ट वाला पूछता वो क्या होता, तो लेटर रिप्लेस करना। डायरेक्शन वाला कि पहले उत्तर में गया, फिर दक्षिण में गया, फिर कहाँ पहुँचा, कितनी डिस्टेंस है, और कौन, एनकोड वाले, जैसे वॉइस को आपने लिख दिया TRP में, तो PRCT का मतलब बताओ, कोड एंड कोड वाले क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन वाले हो ही गए, रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, एक सीरीज दे दी उसमें गलत नंबर कौन सा है, या आगे नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा है, कितने ट्राइंगल है, हिंदी के अंदर संधि पूछी जाएगी, स्वर और उपसर्ग और शुद्ध वाक्य, समास और क्रिया, ये पूछी जाएगी, क्रिया तो आती आती, इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन के अंदर ट्रांसलेशन आएगा, और लेटर राइटिंग आएगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, और उसके अलावा जो आर्टिकल है, डिटरमिनर्स है, एंड वाला यूज, और एक्टिव पैसिव, मतलब एक्टिव पैसिव इंडायरेक्ट स्पीच के बिना पेपर पूरा ही नहीं होता, ये इंग्लिश का हो गया, मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनसे क्वेश्चन तो आया ही आया है। फिर है कि इंडिया के अंदर जो राजपूत और मुगल समय की जो पुस्तकें हैं, जो मैन मैन इंपॉर्टेंट किताबें हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको देखनी है। मुद्रा, शिलालेख, ये बारे जो पहला चैप्टर है जो हिस्ट्री का, राजस्थान की युद्ध कौन से सन में कौन सा युद्ध हुआ था, और दुर्ग जो है, जो राजस्थान के दुर्ग है, कौन सा दुर्ग कहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान है वो, उनकी लोकेशन क्या है, और वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान मतलब जो इंडिया लेवल के ऊपर राष्ट्रीय उद्यान है वो वाले, और वन्य जीव अभयारण्य है, और कोपेन का जो वर्गीकरण है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के जो पर्वत चोटी और चोटियों का जो कर्म है वहाँ से क्वेश्चन आया है, और फसल जो किस्त हैं मृदा है, और फसलों के अंदर जो टॉप पर जो स्टेट है, जैसे वेस्ट बंगाल है वो राइस के अंदर, तो वैसे कौन कौन से टॉप है, और राजस्थान के अंदर फसल किस में है और मरता है, ये ऐसे क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन आया ही है। राजस्थान पॉलिटी के अंदर सिर्फ 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं आपको, राजस्थान का हाई कोर्ट, करंट अफेयर से संबंधित भी, साथ में भी CM गवर्नर, बस यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और भारत के, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, उनसे संबंधित स्थान और उनकी संबंधित पुस्तक, और प्रजामंडल है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, और सभी वाइस राय, गवर्नर जनरल है, ये 2 से 3 पेज का चैप्टर है, और भारतीय परिषद जो अधिनियम है 1919 है, 1909 है, और 1935 है, वो वाले देश में प्रमुख जो जो राजस्थान के अंदर जो विधानसभा है वो, और देश के अंदर जो प्रमुख राज्य हैं, राज्यों के अंदर जो कितने विधानसभा के मेंबर है, जैसे राजस्थान के अंदर 200 है, राजस्थान के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो 35 है, 25+10,
और 1857 राजस्थान का योगदान, फेमस पुस्तक ओल्ड और राजस्थान, भारत की भी और राजस्थान की भी, संत संप्रदाय से क्वेश्चन आया ये है। प्रमुख पंचवर्षीय योजना जो लास्ट के जो 5 ईयर प्लान थे, 11वां जो उनसे संबंधित भी क्वेश्चन, 10वां 11वां, प्रमुख क्रांति जैसे हरित क्रांति, गोल क्रांति, ये वाली वो वाली, और भारतीय संविधान के अंदर टैक्स के संबंधित जो स्लेब दिए हुए हैं, और कुल देवी कुल देवता, हस्तशिल्प है, जनजाति लोक देवता है, पंच पीर है, और जो स्मारक है प्रमुख वो, और अभयारण्य है, राजस्थान के जो योजना है भारत सरकार की योजना है, और जो प्रमुख योजनाओं के अंदर कंट्रीब्यूशन है जैसे कितने योगदान है, 50-50 है, 75-25 है, 90-10 है, तो वो वाला भी, जैसे राजस्थान का जल जीवन मिशन है उसमें 50-50 योगदान है केंद्र और राज्य का, राज्स्थान की प्रमुख नीतियाँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राजस्थान की प्रमुख नीतियों से क्वेश्चन आएगा है, युद्ध दर्शन बताई दी मैंने आपको, राजस्थान की प्रमुख संस्थाएं, राजस्थान के प्रमुख आयोग, भारत के प्रसिद्ध जो क्षेत्र जो खनिज लोहा कोयला इनसे संबंधित भारत के प्रसिद्ध और राजस्थान के भी, यहाँ से दोनों के दोनों जगह क्वेश्चन आए हैं, भारत की ज्योग्राफी के अंदर जो है पर्वत है कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है, फसलों के अंदर प्रथम राज्य कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान कौन से, राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान के अंदर अभयारण्य, यहाँ से क्वेश्चन आए है, और वन रिपोर्ट तो करनी है, वहाँ से क्वेश्चन आए, तो ऐसे करके अपन ने ये टॉपिक्स है वो सारे के सारे आप देख लिए, आप टॉपिक नोट भी कर सकते हैं आराम से, और आंदोलन संबंधित संस्थाएं, राजस्थान की मर्दा, और जैसे अल्फी सोल्स है, एरिडो सोल है वो कहाँ पर है, जो आर्थिक समीक्षा में भी दी हुई है, राजस्थान के सन और युद्ध ये हो ही गया, राजस्थान के लोक देवता मंदिर ये हो ही गया, राजस्थान का एकीकरण हो ही गया, राजस्थान केंद्र और स्टेट संबंधी योजना हो ही गई, और जितने भी पुरस्कार है प्रधानमंत्री जैसे बाल पुरस्कार है, राष्ट्रपति पुरस्कार है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, जैसे ओलंपिक है, यहाँ से पैरालंपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आया गया है भारतीय संविधान से संबंधित कितने पार्ट के अंदर है, बेसिक संविधान की बेसिक बातें जैसे 25 पार्ट के अंदर है, शेड्यूल कितने हैं, कितना टाइम लगा, उनसे संबंधित ऐतिहासिक तथ्य है, और यहाँ बेसिक मतलब संविधान का बेसिक, विभिन्न किसान आंदोलन राष्ट्रीय भी पूछा गया था महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल का, और राजस्थान से संबंधित भी किसान आंदोलन से क्वेश्चन आया, हस्तशिल्प से क्वेश्चन आया, प्रमुख जो झील है नदियाँ हैं संबंधित प्रश्न, और राजस्थान ज्योग्राफी मरुस्थल बरखान यहाँ से क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख खनिज अग्रणी जिले जैसे खनिजों में कौन कौन जिले कहाँ पर है, फेल्सफार में प्रमुख कौन है, मतलब गोल्ड में प्रमुख कौन है, लोहे में प्रमुख कौन है, ऐसे क्वेश्चन, संविधान के संशोधन राजस्थान के अंदर आपको पता ही है, जज और राजस्थान का गवर्नर और राजस्थान का मुख्यमंत्री उनसे संबंधित संविधान के अंदर, भारत में उद्योग और खनिज शासन ये आपको पता ही है, वन्यजीव अभयारण्य इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या के अंदर से क्वेश्चन आएगा, ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित, वर्दी दर से संबंधित, या कौन से टॉप जिले हैं उनसे संबंधित, और आयोग से संबंधित क्वेश्चन आएगा, ये आएगा राज्य के अंदर आयोग, सेंटर के अंदर आयोग, और केंद्रीय वित्त आयोग है उसकी सिफारिशें क्या है, और भारत की फसलें पर उत्पादता के अंदर मैंने बताई दिया, जिस चावल के अंदर वेस्ट बंगाल प्रथम है, वैसे जो जूट के अंदर असम है, पहले बांग्लादेश था, भारत की ज्योग्राफी के अंदर प्रधान देशांतर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, प्रधान देशांतर कहाँ से पास होता है, IST वगैरह, यहाँ मतलब बेसिक जानकारी वगैरह भारत की ज्योग्राफी संबंधित, UNSC मतलब जो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से संबंधित है, और जो इंडिया से संबंधित नहीं भी है वो बहुत फेमस है वो वाले भी, और रीजनिंग के अंदर जो कूट वाले क्वेश्चन है जैसे गोड को 78 लिखा है तो ग्रेड को 245, तो दो क्वेश्चन है, आकृति वाले सीरीज वाले क्वेश्चन है, और जो मिरर वाले क्वेश्चन है उनसे, और नंबर मिसिंग है वो वाले क्वेश्चन है, एक सीरीज दे रखी है उसके अंदर नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा वो वाले क्वेश्चन है, और अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट से इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, इससे क्या बनेगा, और दूसरा अल्फ़ाबेट मिसिंग वाला क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन, तो ये हो वाले हो गए, ये टॉपिक्स की आप लिस्ट बना लीजिए, ये टॉपिक से बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, 55-60% तो क्वेश्चन यहीं से आए नहीं आने हैं, ये श्योर है, तो अगर आपको ज़्यादा स्कोर करना है तो इन टॉपिक से संबंधित मैं क्लासेस भी अपलोड करूँगा, वो क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं, थैंक यू सो मच, छोटी स्मार्ट क्लासेस होगी जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं, तो यहाँ से आप लगभग 60% ले सकते हैं, थैंक यू सो मच।